कोरोना वायरस के इलाज के लिए पहली खाने वाली दवा मिल गई है, जिसका नाम है फेविपिराविर टैबलेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो कोरोना वायरस के लिए इलाज के लिए दवा बन चुकी है, दवा का नाम है फेविपिराविर। और किसने विकसित किया है, ये महाराष्ट्र में स्थित एक कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। इसने इस वायरस से इलाज के लिए एक दवा लॉन्च की है जिसका नाम है फेविपिराविर, और जल्दी केमिस्ट शॉप में भी अवेलेबल होगी ये, जिसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट होगी। और ये टैबलेट आप जब ही परचेज़ कर सकते हैं जब आप डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हो ये टैबलेट लेने के लिए, ठीक है, याद रखना। और डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे जब ही आप ये केमिस्ट से ले सकते हैं फेविपिराविर। आइए जानते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक कौन है। तो वो हैं ग्लेन सलांदा। ग्लेन सलांदा ने कहा अभी कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए हमने जो दवा बनाई है उसके लिए जो कोरोना वायरस में काफ़ी मदद करेगी। और फ्रेंड्स, बात करूं मैं इसका अप्रूवल की, तो क्या सरकार की तरफ से एंटीवायरल दवा फेविफ्लू के मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिल गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल चुका है। भारतीय औषधि महानियंत्रक या DGCI से इस दवा के निर्माण और विपणन यानी कि मार्केटिंग की अनुमति मिल गई है। और कंपनी ने कहा भी कि फेविफ्लू COVID-19 के इलाज के लिए पहले खाने वाली फेविपिराविर दवा है जिसे मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, आप कोरोना वायरस का पेशेंट इसे खा सकता है और मदद भी देगी कोरोना वायरस के निदान के लिए। और फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं देश में लगातार कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। 3,95,048 पॉजिटिव मामले भी सामने आ चुके हैं और दुनिया भर में इस वायरस के दवा और वैक्सीन पर रिसर्च अभी जारी है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की एक कंपनी ने जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, उसने इस दवा वायरस से इलाज के लिए ये दवा लॉन्च की है। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और फ्रेंड्स आप और जो खबर की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 103 रुपये इसने दवा की कॉस्ट रखी है पर टैबलेट। और दोस्तों, इसके बारे में और बता दूँ जो कि मैंने बताया कि अभी भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भी इसे अनुमति दे दी है। और वहीं मैं बात करूँ जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन है ग्लेन सलांदा, उन्होंने भी इस दवा पर कहा यह मंजूरी जो मंजूरी मिली थी इन्हें दवा पर, उन्होंने कहा फ्रेंड इस मंजूरी ऐसे समय पर मिली है जब भारत कोरोना वायरस के मामले में पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रणाली है वो काफ़ी दबाव में है, तो ऐसे समय में मतलब इस दवा को मंजूरी दी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि फेविफ्लू जो जो टैबलेट का नाम है फेविफ्लू जैसे प्रभावी इलाज की इसका जो इलाज होगा जो कि प्रभावी इलाज होगा और इसे कोरोना वायरस के जो पेशेंट हो उनको निदान काफ़ी मिल सकेगा इस दवा खाने से। और फ्रेंड, मैं बात करूं पहले भी कुछ दवाई निकली थी जैसे कि कोरोना के इलाज के दौरान, इससे पहले रेमडेसिविर आई थी और एक दूसरी दवाइयों का भी इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अब जो दवाई आई है फेविफ्लू, इसे फ्रेंड फेविफ्लू भी कहते हैं, ये भी याद रखना, फेविफ्लू दवा का नाम है और जो इसे खा सकेगा और कोरोना वायरस से निदान पा सकेगा। कंप्लीट तो नहीं कह सकते लेकिन जब इससे थोड़ी बहुत मदद तो मिलेगी कोरोना वायरस के। और पहले भी कुछ गोली आई थी जैसे डेक्सामेथासोन आ गई थी लेकिन उनके कोई नतीजे आए भी सामने भी नहीं आए थे। तो इस बीच में फेविफ्लू दवा को जिसका ओरिजिनल नाम है क्या फ्रेंड, फेविपिराविर, और इसे हम कह दें फेवी से और कुछ भी कह सकते हैं फेविफ्लू, ठीक है। फेविपिराविर थोड़ा लॉन्ग नाम है लेकिन हमें शॉर्ट में फेविफ्लू भी कह सकते हैं इसका नाम, ठीक है, याद रखना। और इस दवा को मंजूरी मिल गई है। अब देखना ये है कि ये दवा कोरोना संकट में किस तरह से मदद कर पाती है। अगर ये दवा वायरस से लड़ने में मददगार साबित होती है तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था ताकि आप जान सकें क्या है फेविपिराविर, कितने की मिलेगी मार्केट में, और किस कंपनी ने लॉन्च की है, कंपनी का जो चेयरमैन महानिदेशक है वो कौन है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट बताए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब मैं इसलिए कहता हूँ ताकि मेरे नोटिफिकेशन अगली वीडियो में जो भी डालूँ आपको जल्दी से मिल सकें। चलिए, मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।